मेरा नाम संजय है, मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। यह कहानी तब की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था। उसी समय इंग्लिश मीडियम वाले सेक्शन में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम सोफिया था। सोफिया की हाइट 5 फुट 2 इंच की थी। उसका फिगर लगभग 32-28-34 का था। पतले और गुलाबी होंठ, गोरा रंग, बिल्कुल अप्सरा थी। उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगता था और अंदर से एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगती थी। फिर मैंने धीरे धीरे सोफिया से बात करनी शुरू की। जहाँ पर वह ट्यूशन पढ़ने जाती थी वहीं पर मैंने भी ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी और वह भी मुझे पसंद करने लगी। यह बात भी मुझे तब पता लगी जब उसने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली के हाथ मेरे लिए चॉकलेट भिजवाई। मैंने उससे एक दिन उसका नंबर मांगा। उस वक्त हमारे पास पर्सनल फ़ोन तो होते नहीं थे तो उसने अपनी मम्मी का नंबर मुझे दे दिया। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। मौका मिलता तो हम फोन पर भी एक दूसरे से बात करने लगे, पर हमने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। ऐसा करते करते 4 महीने निकल गए। मैंने उसे प्रपोज करने का प्लान बना लिया। मैंने उसे फोन करके कहा, तुम आज ट्यूशन मत जाना और पार्क में मिलना। वह सही वक्त पर पार्क में आ गई और उसके पार्क में आते ही मौसम ने भी हमारा बहुत साथ दिया। उसके आते ही बारिश आनी शुरू हो गई। कितना सुहावना मौसम था। हम दोनों भाग कर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और मैंने वहाँ उसे गुलाब का फूल निकाल कर प्रपोज कर दिया। आई लव यू सोफिया। उसने मेरे प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और मुझे आई लव यू टू बोला। उस दिन हम मौसम का आनंद लेते रहे और अपना पूरा ट्यूशन का समय वहीं पर बिताया। मैंने भी उससे बात करने के लिए घर वालों से छुपकर एक फ़ोन ले लिया और हम देर रात तक मैसेज में चैट करते रहते। एक दिन मैंने उसे कैफे में चलने को कहा। जिन दोस्तों को नहीं पता हो उन्हें मैं बता दूं कि ज़्यादातर कैफे एक ऐसी जगह होती है जहां पर छोटे छोटे केबिन बने होते हैं, जैसे कि हमारे साइबर कैफे में केबिन बने होते हैं। ये स्पेशली कपल्स के लिए बनाए जाते हैं। उसमें 2 कुर्सियां रखी होती है। हम ट्यूशन से भागकर कैफे में चले गए। वहां पर हमने कुछ देर बातें की और उसके बाद मैं उसके हाथ को प्यार से सहलाने लगा। मैंने उसे आँखें बंद करने को कहा और धीरे से उसके पास जाकर उसकी सांसों को महसूस करते हुए उसके लबों पर अपने होंठ रख दिया। हमारी किस लगभग 8 मिनट तक चली। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके लबों को बस चूमता ही रहूं। फिर थोड़ी देर बाद करने के बाद हम अपने अपने घर आ गए और हमारी उस दिन से प्यार भरी चैट शुरू हो गई। हम एक दूसरे से मिलने के लिए पागल हो गए। कहीं से रूम का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे किसी दोस्त ने मुझे एक रूम के बारे में बताया जिसका रुपये हमारे पास नहीं होते थे। मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके 500 रुपये का इंतजाम किया। हम दोनों उस रूम में पहुंच गए। वहां पर एक कुर्सी, एक सिंगल बेड और एक कूलर था। ये सब न भी होता तो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हमें तो अपना वक्त बिताना था। उस दिन उसने लाल कलर का पंजाबी सूट पहना हुआ था और वह उसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। रूम में घुसते ही मैंने उसे गले से लगा लिया और उसकी काफ़ी देर तक महसूस करता रहा। धीरे धीरे मैंने उसको गले लगाए लगाए उसे गले पर अपनी गर्म सांसें को छोड़ना शुरू कर दिया। उसकी भी सांसें तेज होने लगी। मैंने उसे लिटाया और उसके गाल, माथे, आँखों पर हर जगह बहुत सारी किस करनी शुरू कर दी। यह मेरा पहली बार का मामला था और मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। मैंने उसके होठों को अपने होठों में लेकर चूमना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे उसकी गर्दन पर चूमने लगा। वह जल बिन मछली के जैसे तड़पने लगी और मेरा सर कस कर पकड़ ली। उस समय अगर मैंने उसके होठों को अपने होठों की कैद में ना किया होता तो उसके चिल्लाने की आवाज़ कमरे से बाहर तक चली जाती। लगभग 25 मिनट तक हम दोनों खूब मैच खेलते रहे। उसके बाद हम दोनों अपने कपड़े ठीक करके
वहाँ से निकल आए और अपने अपने घर आ गए। लगभग 3 साल हम एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहे, पर इन 3 साल में मैंने उसके साथ रूम में कैफे में मिलता रहा। वो पल मेरे लिए बहुत यादगार है।